हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज के वीडियो में आप देख रहे हो कि बहुत सारा गेहूं कैसे साफ करें सिंपल तरीके से। अब उसमें हो ढेर सारे कंकड़ या फिर हो कीड़े, तो यहाँ पे मैंने कंकड़ वाले और कीड़े वाले दोनों ही गेहूं साफ करना मैं दिखाऊंगी, वो भी झटापट। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे घुन यानी कि कीड़े लगे हुए गेहूं हैं, लेकिन आज साफ करेंगे बहुत ही झटपट और कुछ हटके नए तरीके से। तो यहाँ पे मैं गेहूं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक बड़े से प्लेट में साफ कर लिया है और कितना ज़्यादा धूल मिट्टी साफ हो चुके हैं। तो इसी तरीके से कैसे मैंने किया है बहुत ही जल्दी। तो इस तरीके से आप चाहे कितना भी सारे गेहूं हो साफ कर सकते हो बहुत ही आराम से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब गेहूं साफ करने की बात आते हैं तो इस तरीके से पहले तो सूप में कर किए जाते हैं। सूप में फटक के पूरा जितना भी कंकड़ है और जो भी गंदगी रहते हैं उसे निकाले जाते हैं। इस तरीके से तो आप सभी को पता होंगे कि घर पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स लोग होंगे ऐसी तरीके से इसी तरीके से सदियों से करते आए हैं, लेकिन आज हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे कुछ दूसरे तरीके से गेहूं को करेंगे साफ। गेहूं साफ करने के लिए दूसरा तरीका जो बहुत ही बेस्ट और फेमस है इस तरीके से एक छन्ना से। तो इस तरीके से जितना भी छोटे कंकड़ और छोटे छोटे जो खराब वाले गेहूं है वो आराम से निकल जाते हैं। कैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आप लोग अगर जिनके भी घर में हमेशा ही गेहूं बनते हैं तो ये वाले छन्ना ज़रूर होते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक सफ़ेद यहाँ पे एक कागज़ के ऊपर ही मैं साफ कर रही हूँ ताकि जितने भी बारीक से बारीक जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी निकल जाए। और इस तरीके से कर लेने से ना जो घुन होते हैं वो आप देख रहे हो, जो छोटे छोटे कीड़े हैं और जो छोटे छोटे बाजरी है कीड़ा है वो जो भी कंकड़ है और ख़ास करके धूल जितना भी धूल है वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर आप देख रहे हो डंठल, ये सब हमें साफ़ नहीं करना है। अब आप सोच रहे हो क्यों, वो मैं बताती रहूँगी आगे आपको वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद कलर का प्लेट में ले लिया है। सफ़ेद कलर का प्लेट में लेने से जितना भी कंकड़ है वो हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इससे ज़्यादा कंकड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंकड़ है। तो इस तरीके से एक बार साफ़ कर ले रही हूँ और एक बार साफ़ कर लेने के बाद फिर से दोबारा एक बार साफ़ कर लूँगी ताकि कोई चांस ही ना रहे इसमें कंकड़ रहने की, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत से गेहूं साफ़ करते हैं उसमें अगर एक भी कंकड़ रह जाए तो वो आटा में मिल जाते हैं और पूरा आटा ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार साफ़ कर लिया है तो मैं फिर से एक बार चेक कर रही हूँ। तो इसी तरीके से कर लेंगे और जितना भी यहाँ पे हल्का फुल्का जो भूसी है और जो डंठल है उसे हमें नहीं निकालना है। तो इस तरीके, क्योंकि उसे भी बिन बिन के निकालने जाएंगे तब तो पूरा दिन में भी हम लोग साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जितना भी कंकड़ है आप देख रहे हो कितना सारा मिट्टी का कंकड़ हमें इस तरीके से जल्दी ही मिल चुके हैं। तो ये प्लेट से मैं अलग करके दिखा रही हूँ। अब दूसरा तरीका और एक क्या है वो भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने स्टील वाला एक छलनी कह सकते हो या फिर छन्ना, जो भी आप कहते होंगे। तो इस तरीके से हर घर में रहते ही है, तो आपके पास अगर वो वाले जो लोहे वाले थे गेहूं साफ करने वाला छन्ना वो ना हो तो आप इससे भी कर सकते हो। इससे और उसमें ज़्यादा डिफरेंस है में नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा कंकड़ निकल जाते हैं और इसमें तो हल्का सा कम, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएंगे उतना ही अच्छे से। यहाँ पे आप देख रहे हो और सफ़ेद कागज़ के ऊपर गिरते जा रहे हैं और हाथ में से ऊपर में जितना आ रहे हैं इसे निकाल लेंगे और बस हमें कंकड़ ही साफ कर लेना है। तो इसी तरीके से एक बार और चाल के सेम प्रोसेस में एक प्लेट में मैं निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। तो इसके लिए इस तरीके से आप करोगे ना तो अलग से धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर कीड़ा पड़ जाए तो। तो इस तरीके से मैं आप बड़े से एक प्लेट में ले कर दिखा रही हूँ। तो आप अगर बहुत सारे गेहूँ साफ कर रहे हो इस तरीके से बड़े वाले थाली या फिर प्लेट, या फिर आप सफ़ेद कलर का बोरी में भी आप बिछा के उससे निकाल सकते हो या फिर कपड़ा में। तो इस तरीके से इसे भी सेम प्रोसेस से साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और इस तरीके से जो भूसी और डंठल है इसे आप टेबल फैन चला के उड़ा भी सकते हो तो उससे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं।
तो उस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो लोहे वाले जिससे हम लोग आटा चालते हैं, ये वाले जो छोटे से छन्नी होते हैं, ये हर घर में अवेलेबल होते ही है, तो इस तरीके से आप साफ कर सकते हो। लेकिन इस छोटे वाले छन्नी से बस धूल और एकदम बारीक छोटे छोटे ही कंकड़ होंगे, वही निकलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, बहुत बड़े कंकड़ इसमें से निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो जितने भी मैंने बड़े वाले छन्ना दिखाया वो नहीं होंगे, ये प्रोसेस आपके काम आएंगे, क्योंकि धूल निकल जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पानी कम खर्चा होंगे। तो इस तरीके से हम साफ कर लेंगे और इसे भी बीन के मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें जो कंकड़ है उसे हमने अभी तक जितना भी प्रोसेस किया, और आप अगर जैसे पुराने टाइम में जैसे किए करते थे सूप में फटक लेते थे, उस तरफ से भी करने से थोड़ा बहुत कंकड़ और जितना भी डंठल है और हल्का फुल्का भूसी है वो निकल जाते हैं। लेकिन हाथ से इसी तरीके से हमें हर प्रोसेस में कंकड़ निकालना ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो भी सुविधा है उस तरीके से आप निकाल लीजिए और कंकड़ थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, ताकि एकदम कंकड़ कोई भी ना रहे। तो इस तरीके से मैं साफ़ कर ले रही। तो इसी तरीके से साफ करके मैं बिना धुले ही एक कंटेनर में, यानी कि बड़े से डिब्बे में भर के रख दे रही हूँ। और जब मुझे धुलना पड़ते हैं तो मैं उसी टाइम निकाल के धुल लेती हूँ। लेकिन अगर आपको गर्मी के टाइम में धुल के रखना है तो आप धुल के भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छे से 4-5 दिन कड़क धूप में रखी, फिर उसके बाद आप एक डिब्बा में भर के रख सकते हो। तो इसी तरीके से मैं सारे जितने हैं सूप में से ही कर रही हूँ, कि सूप में मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी रखते हैं। तो इसी तरीके से मैं साफ करके बिन ले रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा है कि आप धुल के रख सकते हो, लेकिन आप धुलने के बाद उसमें कोई भी दवाई मत डालना कीड़ा भगाने के लिए। अगर आपको रखना है तो इसी तरीके से आप बिना धुले वाले रखिए, उसके अंदर आप जो होते हैं कोई भी दवाई आप डालना चाहते हो या फिर नीम के पत्ती, वो भी आप रख सकते हो, तो ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने इस तरीके से बंद कर दे रही हूँ। तो अभी मैं धुल के भी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कप में यह पानी भर रही हूँ और यहाँ पे मैं 15 किलो ही धुल रही हूँ। मैं सारा गेहूँ अभी एक साथ में नहीं धुलूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़े के बैग में लाई हूँ, आप बोरी में भी ला सकते हो। तो इसी तरीके से सारी यानी कि 15 किलो गेहूँ मैं डाल दे रही हूँ पानी के अंदर। तो अभी डालने के बाद ही एक बार इसमें फिर से पानी चला दे रही हूँ ऊपर से भी। और पानी यहाँ पे आधा कप भर जाने के बाद जैसे ही मैं हाथों से एक बार चला रही हूँ, तो आप देख रहे हो ऊपर सारा जितना भी भूसी और डंठल था वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से ना मैं निकाल ले रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना नज़दीक से। तो मैं एक मग में ले रही हूँ भूसी को, बिना बीने और बिना उसे सूप से फटक के इसी तरीके से पानी में, या फिर आप टेबल फैन में ही उड़ा के जल्दी से निकाल सकते हो। यही दोनों तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पे धुल के ही आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से धुलने के लिए लगभग 4 से 5 बार आपको पानी चेंज कर लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मसलते हुए कस के गेहूँ को रगड़ते हुए धुलेंगे, ताकि गेहूँ के अंदर साइड में जितना भी चिपका हुआ धूल मिट्टी है वो भी एकदम अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल ही साफ हो जाए। तो इसी तरीके से मैं 3 से 4 बार मैं पानी चेंज कर लूँगी। और जैसे जैसे जितना भी पानी के अंदर इसे धुलते जाएंगे, उतना ही ऊपर से आप भूसी निकालते जाएंगे और डंठल भी, और साथ में जो जितना भी छोटे छोटे गेहूँ आप देख रहे हो जो पानी के साथ बह के निकल जा रहे हैं, वो अच्छे गेहूँ के दाना नहीं है, इसीलिए वो ऊपर तैरने लगते हैं। तो जो ऊपर तैरने लगते हैं वो अच्छा सीड्स नहीं होते हैं, तो इसलिए उसे निकालने में आप डालिए मत कि बहुत सारा गेहूँ यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जैसे सूप से भी फटकते हो तो देखना जो छोटे वाले हैं, जो ख़राब वाले दाने होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं 4 से 5 बार धुल ले रही हूँ। इससे सेम प्रोसेस से बार बार मैं, यानी कि 4 बार मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। आपको अगर लगे फिर भी भूसी है तो आप 5 बार धुल लीजिए। 5 बार धुलने के बाद उसके बाद बिल्कुल ही गंदा नहीं रहते हैं। और गेहूँ जब आप धुल रहे हो तो एक बार गेहूँ हाथ नीचे डाल के आप देख सकते हो कि नीचे थोड़ा सा भी गंदा आपको लग रहा है कि नहीं। अगर नीचे गंदा का एहसास हो तो आप बार बार और धुल लीजिए 1-2 बार। लेकिन यहाँ पे मैं जितनी भी बार धुलती हूँ, 5 बार धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, 4 बार में एकदम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 बार हो चुके हैं
और अभी आप देख रहे हो भूसी और गंदा बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने धुल लिया है। अब आ गई हूँ मैं छत पे। छत पे मैंने यहाँ पे एक कपड़ा बिछा दिया है और इसमें अब डाल दे रही हूँ गेहूँ। तो मैं इसी तरीके से मैं टब में ही लेके आई हूँ। आप चाहे तो आपके पास बड़े से टोकरी, यानी जो बड़े बड़े टोकरी होते हैं उसमें आप रख सकते हो, ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। और तो इस तरीके से मैं हाथों से फैला दे रही हूँ दूर दूर तक, ताकि ये गेहूँ बहुत ही जल्दी सूख सके। तो यहाँ पे मैं कड़क धूप में 3 दिन तक गेहूँ को सुखा लूँगी। तो कड़क धूप में 3 दिन तक, अगर धूप धूप थोड़ा हल्का है तो आपको 4 दिन भी लग सकते हैं। तो 3 से 4 दिन तक सुखाने से बहुत ही अच्छा आटा पीस के तैयार होते हैं और वो रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरीके से मैं 3 दिन तक सुखा रही हूँ और एक दो बार ना इसे अलट पलट के हाथ, ताकि जो नीचे वाला गेहूँ है ऊपर आ जाए और एकदम बराबर अच्छे तरीके से सूख जाए। तो मैं आपको फिर से 3 दिन बाद मैं दिखा रही हूँ सूखने के बाद। तो यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं और गेहूँ एकदम अच्छे से सूख चुके हैं। कितना अच्छे से सूखा है और कितना ज़्यादा साफ़ है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं फिर से एक प्लेट में लेके आपको दिखा रही हूँ कि ये गेहूँ कितना ज़्यादा साफ़ है और ये कितना ज़्यादा करेरा। यहाँ पे धूप लगा है इसकी आवाज़ से आप समझ सकते हो। इस तरीके से आटा पिसाने के बाद अगर आप आटा महीना भर भी रखेंगे तो बिल्कुल ही कीड़ा नहीं पड़ेंगे और खाने में बहुत ही लगेंगे रोटी टेस्टी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कौन सा ट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं और आपके घर में किस तरीके से गेहूँ को साफ किए जाते हैं मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो अभी तुरंत लव किचन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ एक लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कोई रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।